नमस्कार, आप देख रहे हैं विकी न्यूज और मैं दृष्टिर उपाध्याय। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने मंगलवार रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान किया, जिसके मुताबिक 24 तारीख की रात 8 बजे से 21 दिनों के लिए पूरा देश लॉकडाउन रहेगा। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद से ही लोगों में अफरा तफरी का माहौल है और इसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया पर जो झूठ फैलाया जा रहा है। तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कोई कह रहा है कि अब सामान लेने के लिए भी कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता, तो कोई कह रहा है कि अब पीएम मोदी ने सारी सेवाएं बंद कर दी हैं। अगर आपके पास भी इस तरह कोई मैसेज आया हो तो घबराए नहीं, आपके लिए इस डर को दूर करने के लिए हम कुछ ऐसी जानकारियां लेकर आए हैं जिसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल पूरे देश को लॉकडाउन किए जाने के बाद से ही लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस दौरान कौन कौन सी सेवाएं मिलेंगी और कौन कौन सी नहीं। हालांकि खुद पीएम मोदी ने भी कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरी सेवाएं और दवाएं मिलती रहेगी और गृह मंत्रालय ने भी इसे लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि 3 सप्ताह तक चलने वाले इस देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान क्या क्या चीजें बंद रहेंगी। दरअसल इस दौरान सरकारी और निजी दफ्तर बंद रहेंगे। इसके अलावा रेल, हवाई और रोडवेज की सेवा नहीं मिलेगी। सभी तरीके के पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थान जैसे मॉल, हॉल, जिम, स्पा, स्पोर्ट्स क्लब बंद रहेंगे। सभी रेस्टोरेंट, दुकानें बंद रहेंगी। धार्मिक स्थल, सभी शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं मिलेगी। सभी फैक्ट्रियां, वर्कशॉप, गोदाम, साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। अब जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान क्या क्या सेवाएं जारी रहेंगी। दरअसल डिफेंस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, डिजास्टर मैनेजमेंट, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन यूनिट, पोस्ट ऑफिस, नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर खुले रहेंगे। इसके अलावा सब्जी, राशन, दवा, फल की दुकानें खुली रहेंगी। बैंक, इंश्योरेंस, दफ्तर और ATM खुले रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सेवाएं जारी रहेंगी। इसके अलावा इंटरनेट, ब्रॉडकास्ट और केबल सर्विस जारी रहेगी। ई कॉमर्स के जरिए दवा, मेडिकल उपकरण की डिलीवरी जारी रहेगी। पेट्रोल पंप, LPG पंप, गैस रिटेल खुले रहेंगे। तुम्हें प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस भी मिलती रहेगी। अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, नर्सिंग होम खुले रहेंगे। लॉकडाउन से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया के तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।